हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हमारे जो काफ़ी सारे ओला पे ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी सारे भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से आप जो है ये इंडिया की आईडी में वाला वॉलपेपर जो है लगा सकते हो। इसमें दोस्तों काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं जिसमें आपका पबजी वाला वॉलपेपर, फ्री फायर वाला और भी एक दो गेम है जिनके सारे के आप वॉलपेपर जो है अपनी आईडी में लगा सकते हो। किस तरीके से लगाना है फुल टोटल बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर जो देखते रहना, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, एक वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है और ये ट्रिक मैं ढूंढ कर लेके आ गया हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके ही कमेंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें आईडी में आप इंडिया की आईडी में किस तरीके से आप लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा तो ये मेरा जो है वॉलपेपर जो है हट जाएगा। और फाइनली दोस्तों जो मेरी आईडी है वो इंडिया की आईडी आप देख सकते हो, यहाँ पे 15 से यहाँ पे शुरू हो रही है ये आईडी मेरी, इंडिया की आईडी है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑफिशियल संस्कारी के नाम से याली आईडी है मेरी, सेकंड आईडी जो जिसका मैं आईडी नंबर भी काफ़ी सारे वीडियो मैंने दे रखा है तो आपको पता होगा उसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इस तरीके को किस तरीके से लगा सकते हो, उसके लिए आपको कौन सा वर्जन की जरूरत पड़ेगी। आपको ओल्ड वर्जन की जरूरत पड़ेगी, तो ओल्ड वर्जन में आपको कौन सा जो ओल्ड वर्जन है आप उसका यूज़ करोगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नहीं कि कौन सा वर्जन है आपको, वर्जन में लास्ट में बताऊँगा, पहले बता दूँगा आपको किस तरीके से इसको जो है अपनी आईडी में जो है लगा सकते हो। बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है, उसको ट्रिक को फॉलो करना है और आपकी आईडी में ये जो है लग जाएगी। तो वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि कौन से वर्जन से आप लगा सकते हो। सबसे पहले देख लो ये मेरी इंडिया की आईडी है, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे भी एक बार क्लिक करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैं गेम पे क्लिक कर दूँगा तो आपको गेम भी दिख जाएगा यहाँ पे कौन सा गेम है। फिलहाल मैं यहाँ से ऑन नहीं करने वाला, और यहाँ पे मैं अपनी आईडी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वॉलपेपर जो मैंने अभी जस्ट लगाया था कुछ देर पहले, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था लगाने की और मैंने फाइनली ये मैंने लगा लिया है। तो अब चल लेते हैं अपने हैगो पर। इसके लिए आपको एक हैगो एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी और साथ में पड़ने वाली है आपको एक आईडी की जरूरत, जो आउट ऑफ कंट्री की आईडी होगी। तो किस कंट्री की आईडी की जरूरत पड़ने वाली है आपको मैं बता दूँ आपको, तो आपको दोस्तों आईडी चाहिए एक इंडोनेशिया की आईडी चाहिए, ठीक है, जिसमें ये गेम जो है सारे शो हो रहे हैं। मैं आपको फिलहाल यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे साइन आउट करके आपको शो करा देता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं अपनी इंडोनेशिया वाली आईडी लॉगिन। तो इसको मैंने कर दिया, फिर से एक बार साइन आउट कर लेता हूँ मैं, साइन आउट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और ये मेरा हो गया साइन आउट। साइन आउट होने के बाद क्या करना है आपको, गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी इंडोनेशिया की आईडी है उसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे वैसे आपको बीच वाले ऑप्शन पे, टैप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है थ्रो ए पार्टी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिस भी जोन सा भी आपको इसमें से वॉलपेपर चूज करना है जिस भी गेम का, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। फाइनली मान लीजिए हमने पबजी का सेलेक्ट करा और पबजी वाले आइकन पर आपको गो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पबजी का कुछ इस तरह का वॉलपेपर जो है शो हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस वॉलपेपर को आप किस तरीके से आप लगाओगे, सबसे पहले देख क्या करना है आपको, यहाँ पे ना ही तो अपना म्यूट लगाना है ना ही तो कुछ करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस पर सेटिंग आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है स्विच अकाउंट पर क्लिक करना है। स्विच अकाउंट पर देख आप किसी भी आईडी पर अपना टैप कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी आईडी जो है स्विच नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आईडी दोबारा से लॉगिन होकर दोबारा से ये आईडी आपकी खुल जाएगी। तो आप देख सकते हो दोबारा से ही मेरी आईडी ये खुल गई। तो फिर से आपको इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद फिर से आप इसको एंट्री जो है अपने ले लोगे। तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पे हो गए। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको सेटिंग बजाना है। सेटिंग बजाने के बाद साइन आउट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर नन ऑफ अदर करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कोई सी भी अपनी इंडिया की जीमेल की आईडी खोल लेनी है। खोलने के बाद फिर फास्टली आपको टैप करना है, टैप करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारी फाइनली हमारी इंडिया की आईडी में लग चुकी है। उसके बाद क्या करना है, फटाफट से आपको जो है हैगो को आपको हटा देना है। ये हमने फाइनली यहाँ पर हटा चुके हैं। अब फिलहाल हम सिंपली खोलने वाले हैं अपने ओला पार्टी में आईडी। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओला पार्टी हमारी आईडी खुल चुकी है। और फिर से ही दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर क्या क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हेलो पर क्लिक करते ही आप देख लोगे कि मेरे यहाँ पे पबजी वाला वॉलपेपर जो है लग चुका है। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पबजी वाला वॉलपेपर लग गया, तो काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से आप इस तरीके को ला सकते हो। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि ये कौन सा मेरा वर्जन है। तो आई होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। वीडियो दोस्तों लाइक कर देना दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो बनाने में। तो उसके बाद क्या करना है आपको, मैं वर्जन दिखा देता हूँ। तो आपको ओला हैगो का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, सिंपली मैंने हैगो का वर्जन यूज़ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा सेटिंग, और सेटिंग के बाद यहाँ पे मिलने वाला है आपको हैगो का वर्जन। तो देख सकते हो यहाँ पे 4.1.3 वाला वर्जन है, इस वर्जन से आप लगा सकते हो। ठीक है, फाइनली मैंने इस वर्जन पे यूज़ किया, टेस्ट किया है, तो मैंने तो इस वर्जन से लगाया है। आपके सामने लाइव प्रूफ बिल्कुल करा है कि आप किस तरीके से ये लगा सकते हो। दो इंडिया की आईडी में आप इस तरीके से लगा सकते हो कोई सा भी वॉलपेपर इनमें से, तो काफ़ी अच्छे वॉलपेपर हैं देखने में। इससे आपकी दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैंने जो बताया नहीं मैंने, कि इससे ही आप जो है अपने ब्रॉड की जो गैदरिंग जो है बढ़ा सकते हो। तो जिससे कि आपके जो है रैंडम बंदे जो है आपकी आईडी में आते हैं और रैंडम बंदे आके आपकी आईडी की जो गैदरिंग जो है बढ़ाते हैं।
तो कैसे लगा वीडियो दोस्तों, लाइक कमेंट कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।